हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो भी प्रीवियस ईयर में शॉर्ट्स में आए न्यूमेरिकल्स हैं उनको मैं कवर करा दूंगा, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं, ठीक है। और बाकी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पर, तो आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो ये है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम मोल ऑक्सीजन गैस की कुल गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो 2019 में ये क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल, और शॉर्ट में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको किस तरीके से करना है ऐसा न्यूमेरिकल। ताप टी पर एक ऑक्सीजन अणु की गतिज ऊर्जा आपको पता है 3/2 kT होती है, जहाँ के बोल्ट्जमैन नियतांक है। यदि 1 ग्राम मोल गैस में अणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या हो, है ना, Na मानते हैं हम जिसे, तो ताप टी पर 1 ग्राम मोल ऑक्सीजन गैस की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 3/2 Na kT हो जाएगी। इसमें Na का मल्टीप्लाई हो जाएगा अवोगाद्रो संख्या का। अब आप यहाँ पर कांस्टेंट रख सकते हैं, किसकी जगह पे, Na और K की जगह पे, मतलब Na की जगह पे R रख सकते हैं, ठीक है, N की जगह पे R रख सकते हैं, जहाँ R बराबर क्या होता है, 8.3 जूल प्रति ग्राम मोल केल्विन। चूँकि अब यहाँ पर उसने एक बात बोली, क्या, चूँकि 1 किलोग्राम मोल बराबर 1000 ग्राम मोल, ये वाली बात आपको पता है। ताप टी पर टी बराबर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो 27 डिग्री सेल्सियस को आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, केल्विन में। तो 27 में 273 को ऐड कर देंगे, तो 300 केल्विन हो गया। 300 केल्विन पर 1 किलोग्राम मोल ऑक्सीजन गैस की कुल गतिज ऊर्जा तो क्या हो जाएगी, 1 किलोग्राम की बात मोल की बात हो रही है, तो हमने ग्राम मोल में कर लिया उसे, तो हो जाएगी, क्योंकि ग्राम मोल में इसलिए कर लिया क्योंकि देखा आर में कितना होता है, ग्राम में होता है, तो हमने 1 किलोग्राम को 1000 कर दिया, तो 1000 गुणा में 3/2 RT, आर की वैल्यू रख दी, सिंपल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना है आपको। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इतना तो आप कर सकते हैं भाई, ग्रेजुएशन के बच्चों, तो 3.735 × 10⁶ जूल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी गति ऊर्जा कुल निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दर्शाइए कि VRMS रेशियो V एवरेज और रेशियो VMP इजिकल्स टू 1:0.92 एंड रेशियो 0.817। तो देखो, इसमें आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, इसमें आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है, क्या, कि वर्ग माध्यमूल माल चाल VRMS की जो वैल्यू होती है वो √3 kT/m होती है, औसत चाल की जो वैल्यू होती है वो √8 kT/mπ होती है, और प्रायिकतम चाल की जो वैल्यू होती है ना, उसकी वो प्रायिकतम चाल की जो वैल्यू होती है वो होती है √2 kT और अपॉन में m, ठीक। अब इन दोनों का रेशियो कर दो, अब इन तीनों का रेशियो कर दोगे आप, तो अंडर रूट्स पहले तो ये देखेंगे आप, √m से √m सब में कट जाएगा, अब और √kT से √kT सारे कट जाएंगे, आपके पास बचेगा √3, यहाँ बचेगा √3 8 √8/π और √2। अब √3 है तो √3 का सब में डिवाइड दे दो, क्योंकि यहाँ पर 1 लाना है आपको, तो √3 का सब में डिवाइड दे दिया, तो ये √8/3 हो गया, ये 1 हो गया, और ये √2/3 हो गया। अब इनकी वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा ईजिली, ठीक है। तो देखा, इसलिए ये दो न्यूमेरिकल आपके बहुत जल्दी ईजिली हो गए, ठीक है। इसके बाद है आपका, देखो इसके बाद जो है आपका वो है ये वाला, दो अवस्थाओं में ऊर्जा का अंतर 4.83 × 10⁻²⁰ जूल है, ठीक है। दो अवस्थाएं हैं जिनमें ऊर्जा का अंतर दे रखा है, E2 - E1 दे रखा है बेसिकली, तथा उनकी आपेक्षिक प्रायिकता E² है, आपेक्षिक प्रायिकता उसने बोल रखी है E² है। ताप की गणना कीजिए, दिया है बोल्ट्जमैन नियतांक K बराबर 1.38 × 10⁻²³ जूल। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में आपको कैनोनिकल वितरण नियम के अनुसार दो फॉर्मूले याद रखने होंगे। एक फॉर्मूला याद रखना बेसिकली कि P1 बराबर CE⁻ⁿ E1/kT, जहाँ पर ई जो होती है वो ऊर्जा होती है। सेम P2 के लिए हो जाएगा, दोनों का डिवाइड कर दो, दोनों का डिवाइड करोगे फॉर्मूला ये निकल के आएगा E²⁻ⁿ E1/kT। अब आपको एंटी लॉग, ये ई है तो एंटी लॉग ले लो दोनों तरफ, तो लॉग P1/P2 हो जाएगा E²⁻ⁿ E1/kT हो जाएगा, ठीक, क्लियर है मेरी बात। इसके बाद देखो, अब तुमने टी बराबर निकाल लिया है ना, क्योंकि तुम्हें ताप निकालना था, तो टी बराबर क्या हो गया, टी बराबर E²⁻ⁿ E1/kT आ गया, के लॉग P1/P2। अब P1/P2 किसके बराबर है, E² के, E²⁻ⁿ E1 बराबर दे रखा है, के बराबर दे रखा है, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, 175 केल्विन आ जाएगा निकल के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो है आपका ये वाला, देखो ये न्यूमेरिकल क्या कहता है, ये न्यूमेरिकल ये कहता है कि उस पाई प्लस मेसॉन का मध्य जीवन काल ज्ञात करें जिसका वास्तविक जीवन काल 2.5 × 10⁻⁸ सेकंड है, तथा वेग 0.73 c है। तो देखो, समय विस्तार का आपको सूत्र देखना है, इसमें समय विस्तार का सूत्र क्या होता है, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या होता है, देखो इसको जूम कर देते हैं,
क्लियर हो जाएगा आपको। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब आपको दे क्या रखा है, आपको डेल्टा टी नॉट दे रखा है जो कि है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस, अब वेग दे रखा है 0.73 सी अपॉन में सी, सी से सी कट जाएगा तो जीरो नीचे हो गया 0.373 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करके सॉल्व करोगे 1 माइनस अंडर रूट सॉल्व करना और 0.467 आ जाएगा, अंडर रूट को सॉल्व कर देना, अंडर रूट को सॉल्व करोगे और क्वेश्चन का सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कोई कैलकुलेशन तो आप आराम से कर सकते हो, तो इसमें मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 3.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 8 सेकेंड। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई हो। इसके बाद है नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि आपका ये वाला है, ये वाला एक छड़ की लंबाई में प्रतिशत, एक छड़ की लंबाई में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए जबकि यह छड़ 0.8 सी के वेग से चल रही है, अतः छड़ की लंबाई का x दिशा में संकुचन होगा। अब x दिशा में जब वो चल, देखो ये न्यूमेरिकल जो है, जबकि यह छड़ 0.8 सी के वेग से अपनी लंबाई की दिशा से 60 डिग्री के कोण पर गति कर रही है, तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। माना कि विराम अवस्था में छड़ की लंबाई L0 मान ली तथा यह x अक्ष की दिशा में 0.8 सी वेग से चल रही है। अब विराम अवस्था में छड़ की लंबाई L0 है तो छड़ का लंबाई का क्या होगा, संकुचन होगा, तो छड़ की लंबाई का x दिशा में क्या होगा, संकुचन होगा, संकुचन होगा, जबकि y दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वो चल किस में रही है, x अक्ष की दिशा में। अब विराम अवस्था में x अक्ष की दिशा में छड़ की लंबाई आपको पता होगा, ये x एक्सिस होती है हमारी, ये y एक्सिस होती है, यहाँ पर घटक cos थीटा होता है, यहाँ पर sin थीटा होता है ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि L0 cos 60 जो कि cos 60 वैल्यू 1/2, तो L0 2 हो जाएगा। अब विराम अवस्था में y छड़ की दिशा में छड़ की लंबाई, तो L0 sin 60 और ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2 L0 हो जाएगा। गति की अवस्था में x अक्ष की दिशा में छड़ की आभासी लंबाई, आभासी लंबाई के लिए आपको लंबाई संकुचन का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, Lx बराबर x अक्ष की दिशा में तो Lx आ गया, Lx नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब आपने वैल्यू रख दी Lx नॉट की जो कि होगी L0 अपॉन अंडर रूट 2, है ना, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें आभासी लंबाई, इसमें लंबाई चेंज हो रही है, हम वाई में नहीं करेंगे, हम एक्स में कर रहे हैं ये वाली चीज़। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3 L0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, अब इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे अब गति की वाई अवस्था, वाई अक्ष की दिशा में छड़ की आभासी छड़ की लंबाई, तो देखो वाई अक्ष की दिशा में तो वही रहेगी, है ना, वाई अक्ष की दिशा में क्या होगा, वाई अक्ष की दिशा में तो वही रहेगी, एक मिनट, तो वाई अक्ष की दिशा में जब वही रहेगी तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा Ly बराबर Ly नॉट अंडर रूट 3 L0 अपॉन 2, ये जो वही जो साइन वाला था, है ना। अब गतिशील छड़ की आवासी लंबाई L बराबर क्या होता है, अंडर रूट Lx स्क्वायर प्लस Ly स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करना है, 0.917 L0 आ गया। अब गति के कारण छड़ की लंबाई में संकुचन क्या हो जाएगा, L0 माइनस L हो जाएगा, है ना, L0 माइनस L निकालोगे तो 0.083 L0 निकल के आएगा। परसेंटेज निकालनी है क्या कर दो, बस L0 100% कर दो तो हो जाएगा 8.3%। ठीक है, तो देखा इस तरीके से ये न्यूमेरिकल्स आराम से आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।